और अब बात सत्य और तथ्य की। पिछले कई महीनों से आपने विपक्ष को बार बार कई बार ये कहते हुए सुना होगा कि देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने भी कभी इस मुद्दे पर विपक्ष का विरोध तो नहीं किया, लेकिन बीजेपी ने विपक्ष की मंशा पर प्रश्न जरूर उठाए और आरोप लगाया कि विपक्ष जाति वाली जनगणना के दम पर राजनीति करना चाहता है। बीजेपी इस मुद्दे पर थोड़ी कंफ्यूज जरूर है, लेकिन सवाल लगातार उठते रहे। लेकिन अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने खुलकर इस पर अपने विचार रख दिए हैं। संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने कहा है कि हमारे समाज में जातिगत जनगणना एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, जो सही भी है, और यह राष्ट्रीय एकता के लिए बेहद जरूरी है। उन्होंने क्या कहा, यह बहुत महत्वपूर्ण है लोगों के कल्याण के लिए और खास तौर से दलित समुदाय की संख्या जानने के लिए जातिगत जनगणना होनी ही चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल चुनाव प्रचार, चुनाव फायदे के लिए बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी मैसेज बहुत साफ है, यानी संघ के विचार क्रिस्टल और क्लियर हैं। इस मुद्दे पर सियासत की जगह जन कल्याण भावना होनी चाहिए। आरएसएस ने भी साफ कहा है कि किसी जाति या समुदाय की भलाई के लिए सरकार को आंकड़ों की तो जरूरत होती है, लेकिन आरएसएस के बयान में यह कहीं नहीं कहा गया कि जातिगत जनगणना के आंकड़ों को सार्वजनिक किया जाए, जैसा विपक्ष कह रहा है, ढोल पीट रहा है, जिसकी तमाम विपक्षी दल मांग कर रहे थे। इतना ही नहीं, जातिगत जनगणना पर संघ के विचार पूछे बिना ही पूरा का पूरा विपक्ष इस मुद्दे पर आरएसएस को कटघरे में लगातार खड़ा करता रहा जी। और इनमें से ज्यादातर वो पार्टियां हैं जिनका पूरा का पूरा सियासी समीकरण जाति और धर्म के आधार पर चलता है। किसी का मुस्लिम यादव, किसी का मुस्लिम दलित, और किसी का तो परिवारवाद पर ही चलता है जी। और ये लोग संघ से सवाल पूछते हैं। आपको याद होगा चुनाव के बीच श्री रामचरितमानस पर ऊल जलूल टिप्पणी की गई, यहां तक कहा गया कि सनातन को समाप्त कर देना चाहिए। आरक्षण को लेकर भी कई तरह की भ्रांतियां, झूठ फैलाया गया, प्रोपेगेंडा फैलाया गया, आरएसएस के नाम पे फैलाया गया। इसलिए आज संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर ने जो कहा, उसे विपक्ष के सियासी ट्रैक रिकॉर्ड के कंटेस्ट में भी देखना बेहद आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जातिगत जनगणना के पीछे किसका क्या एजेंडा है, यह सत्य भी देश के सामने आना ही चाहिए।